मेरा नाम गोविंद सिंह भाटी है, मैं पुला उदयपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पीछे कमर के नीचे थोड़ी फुंसी जैसे हुई थी, तो फुंसी हुई पर उसके मुंह नहीं हुआ था, तो अंदर ही पी भराते रहे, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था क्या है। तो फिर हम गीतांजलि में आके आउटडोर में सुमन मैडम से मिले थे, जब मैडम ने कुछ जांचें लिखी थी हमारे, और फिर इस घाव के लिए ट्रीटमेंट की सर्जरी के लिए बोला था। मैं डॉक्टर सुमन परिहार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, आपको एक पेशेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। उसका नाम है गोविंद सिंह भाटी, 23 वर्ष का है वो लड़का। अपनी मम्मी के साथ मेरे पास आया था कि उसको एक स्वेलिंग हो गया है दोनों कूल्हों के बीच में, रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे पर, और उसमें दर्द हो रहा था बहुत, पस का डिस्चार्ज हो रहा था, उसको चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सो, जो एग्ज़ामिनेशन हमने किया तो उसमें पता चला कि वो पाइलोनिडल एप्सिस बना हुआ है। सो, उसमें एक छोटा सा छिद्र होता है त्वचा के अंदर, जिसके अंदर बालों का एक गुच्छा अंदर चला जाता है और उसको उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैंने उसको समझाया कि दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, या तो हम उसका चीरा लगा के उस खड्डे को ऐसे ही छोड़ दें और रोज़ उसमें पट्टी कराएं। तो उस तरीके से एक महीने तक पट्टी करानी पड़ती है, रोज़ उसमें दर्द होता है, रोज़ खून का रिसाव होता है, और ये लंबा प्रोसेस होता है, ठीक होने में बहुत वक्त लेता है। एक ऐसा सर्जरी होता है जिसमें हम फ्लैप सर्जरी करते हैं, जिसको हम रोम्बॉइड लिम्बर्ग फ्लैप सर्जरी बोलते हैं। वो हमने मरीज को समझा दिया, तो हमने वो जांचें करवाई। सोमवार को एडमिट होने के बाद चेस्ट एक्सरे और सभी जांच दो दिन में पूरी होने के बाद में हमारा बुधवार को सर्जरी पूरी हो गई। अभी हमने गोविंद सिंह पेशेंट का पाइलोनिडल साइनस का ऑपरेशन किया है, और उस ऑपरेशन में हमने रोम्बॉइड फ्लैप सर्जरी किया है, जो एक छोटा अच्छा ऑपरेशन होता है, प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन होता है, जिसमें हम पाइलोनिडल साइनस को एक्साइज करके और वो जो खड्डा बनता है उसको एक रोम्बॉइड फ्लैप लेके रोटेशन करके उसको सील कर देते हैं, और पेशेंट को 5 दिन के लिए आराम करना होता है। 15 दिन के बाद हम टांके निकाल देते हैं और पेशेंट घर चला जाता है। इस सर्जरी में वक्त तो कम लगता है और इसके हीलिंग भी बहुत अच्छी होती है, पेशेंट को दर्द कम होता है, पेशेंट को कोई परेशानी नहीं रहती है, और पेशेंट जल्दी से अपने काम पे जा सकता है। आज फिर हम उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, अभी बिल्कुल ठीक है, उसको कोई दर्द नहीं है और आराम से वो चल रहा है और आज घर चला जाएगा। तो गीतांजलि के नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ और सुमन मैम को बहुत बहुत शुक्रिया। गीतांजलि हॉस्पिटल, हेल्थ इज हैप्पीनेस।